अच्छा पहले कैसे बंद हो गया, 31 का महीना नहीं था। अच्छा हाँ ये भी है, ये बहन चाहे कि घंटा काउंट करें। और क्या ना, 31 का महीना तो ये तो पूरा 28 दिन मिलते हैं ना। ठंड कैसी हो रही है उधर? नहीं हो रही है, दर्द मेरा बढ़ता जा रहा है, इतनी ठंड हो रही है। अब कंधे में, कमर में इतना बुरा हाल हो रहा ज्यादा हो रहा दर्द ठंड की वजह से? और अकड़न सी आ रही होगी ना? है। जो नीचे तो है ही है दर्द, उल्टे हाथ के पीछे जिस साइड में मतलब रसोली है हाँ उसके ऊपर ले चढ़ने उसके लिए जोड़, जो हाथ का जोड़ नहीं होते हैं मतलब हाँ ये जो शोल्डर के नीचे है। पीछे। कह तो रही तुम, उनको क्या कह रही? खुम्ब क्या क्या चाहिए खलवे। खलवा खुम्ब जन खलवा। बाद में मैं हंस रहा था, मगर इसका भी जा चीज की ना पता हो तो जोड़ के अपना बना ले कुछ ना कुछ बुग्गी के खलवा बता दिए कल कोई स्कूल है या छुट्टी है? स्कूल है पर वो हो जाएगा, राजू सर स्कूल खोल लेते हैं। अच्छा कल साइन करके हम तो हाँ निकल गई आज ही, वो तो बस फंक्शन फंक्शन के लिए आई थी। अच्छा। रश्मि राजू सर स्कूल सन खोल के अपने घर चले जाते हैं। अच्छा खोल के यार, खोला छोड़ हाँ जान हुई। मतलब खोल के तो मिस्त्री काम वाम कर रहे हैं ना। हाँ हाँ उन्हें बताया कि अपना काम देखे हैं वो। मैं और बताओ सोचती तुम्हें तो लग रही ज्यादा ठंड अब? नहीं वैसे कमरे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर अकेले आदमी सोवे तो वहां ठंड महसूस हो गई है। मुझे दो रहे हैं तो बातचीत पानी सुबासु थोड़ा सा दब जा मामला। लग और सुनाइए तो। बच्चे खाना वाना बनाया? कुछ बनाओगे या आज भी? क्या क्या ले रखो तुमने ना आज बचा रही हो है? वो बनाऊं मैं। नहीं तो अकेला तो अब रहना ही है वहां तो। चल नहीं वो सुबह जैसे सब्जी एक टाइम बना तो दो टाइम काम हो जाता है। अभी इतनी तनमनसी तो भूख लगी हुई होती है, तनमनसी के लिए क्या था ढूंढू क्या बनू। यू कॉम तो उत्तराखंड में भी तुम्हारा होगा, सब्जी तो एक टाइम ही बने ही। पता है जैसे दो रहते हैं तो एक को भूख ना हो तो दूसरे की वजह से बनाना पड़ जाता है। ये है थोड़ा सा भूख ना भी रहे तो आदमी खा ले वे एक आध टुकड़ा। दूसरे के बनता है तो उसके साथ से खा ही लेते हैं। और तो खावे ना ही ऐसे ही खावे ही, जब भूख ना रही तो मैं जबरदस्ती खिला दे और बताओ।
प्रमाण पत्र पकड़ रहे थे सम्मान वाला, तो मेरी याद नहीं आई तुम्हें? जबरदस्त बीएसए तो उसके चले गए थे, उन्हीं हाँ के लिए फील्ड में कारण के लिए मैडम बांट दिए लो जी, वो आ जा पब्लिक बुलाने नहीं देती है, ये तो वर्षों में खर्चे फोटो भी। अरे ऐसा होगी जैसे वहां अव्यवस्थाओं का माहौल था जब वे बट रहे ज्वाइनिंग लेटर, जैसे जो नहीं है तो बट रहे ऐसे बांट दे लो, पकड़ो पकड़ो अपने सामान है जल्दी से ले लो। हाँ नहीं आ जाओ इकट्ठे होकर, नाम बोल दिए सारे इकट्ठे हो गए, पकड़ा दिए तो हमने मंगा दी एक्टिव वर्षा वर्ष मको वर्षा बहन तू खेल दे, जब तेरा होगा तो हम खेल देंगे ऐसा। तो वर्षा अपने फोन में भी उठे सीधे नहीं खेती है, चलो कोई ना, सही है। वैसे ड्रामा कर रहे हैं ये, सम्मान सम्मान का हर तरीका से नहीं जब करते हैं। देना तो कम दे, बीएसए को बैठाए रखते उनसे दिलवाते या एबीएसए से दिलवाते ये और रहे ना, ये नेता और कुछ नेता भी ना, ये कुछ भी ना है, ये बीएसए से पैसे वैसे इसमें करा रहा है कि हम भाई अपने लोग में ये करने खाना करेंगे। हाँ वही है वही है। वहां पर एक बात ही बीएसए ने अपने मुल्क के क्लास में भी बोला था जब आके सैलरी का, तो 250 बच्चों की सैलरी जनवरी में लग जाएगी और जो बच्चे हैं टीचर उनकी फरवरी में लग जाएगी। अरे हंगामा मचा रखा है ना बच्चे ने वहां जा जा के, ताकि ये तो रुके कम से कम। वेरिफिकेशन सबका स्टार्ट हो चुका है, घर भी चले गए माधुरी के चले गए हैं और ये इधर तृप्ति तृप्ति उनके घर चले गए वेरिफिकेशन में भी। तुम्हारा भी गया? मैं अभी गया नहीं है, जो भी पास पास वाले शायद उनके भी है। चलो देख लीजिए। मार तो वो पुलिस वाला गया 307 वाले पुलिस वाला, नितिन सचिन के नोटिस पहुंच गए होंगे, हाँ हाँ वो बताया नहीं तो मैंने, तो मैं उसमें लग रहा है वो बहनचो मानेगा नहीं वो, मैंने तो वो भी बता दी तुम्हें, मैं कहूँ उनका वारंट हो गए, कहीं ना कहीं दिन नोटिस जाएगा जरूर। पता नहीं कौन सा नहीं पता, मम्मी ने बताया कि मेरे तो पुलिस ने बताया कि कुछ ना, अपना भी आने की कोई जरूरत ना, उसमें हो जाएगा वो, देख रहे हैं। चल अंदर साढ़े, और बताओ तुम यहाँ पे, अंकल आंटी सब ठीक हैं? कुछ कहता ना रही हो? अंकल भी नहीं है वहां पे, वृंदावन भी अच्छा बाहर गए कहीं, आंटी है बस? नहीं, तो ये बैठ रही थी 7 बजे मेरे पास, अच्छा यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। रात को दादी भी संडे वंडे में जाती है मेरे। चलो कोई ना, तुम्हारा भी टाइम पास हो ही जावे, तो यहाँ में बुराई भी ना हो ज्यादा। और सुनाओ। नहीं पूरे दिन फोन नहीं करा तुमने, ना कोई मैसेज करा, मैं तो जैसे ही आज बोला ना जो बीएससी सर आ गए, जब भी आ गए 11 अपने बीएससी हमारी क्लास में रहे, वो 12:30 बजे ने 1 बजे तक तो उन्होंने लेक्चर दिया हमें, और एनजीओ वाले तो बीएससी सर के सामने उन्होंने तो जब हमें लेक्चर दिया। लेक्चर जब वो लेक्चर कर रहे थे, फोन तो तुम्हारे हाथ में ही हो, फोटो भेज सके आदमी। यारे फोन ऑन कोई हाथ में अच्छे घर में फोन रख दिए नहीं, क्वेश्चन पे तक कर देते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, और सुनाओ तुम कोई नई बात? कुछ नहीं बनना है, कल से अकाउंट खुलवाना है। चलो खुलवा ले जाओ अकाउंट। हाँ
दवाई वाई फिर उधर से आती भी लेगी या कैसे करोगी? अब जब आपको टाइम ही नहीं, मैं तो यही सोचती मैं कहीं घर से लेती जाऊंगी दवाई। नहीं असल में जो ना मैं कल को अकाउंट पर आऊंगा, आज अंकल भी बता रहे थे कि हड़ताल हो जाएगी बैंक की। न्यूज कोई हड़ताल ना हो बेकार की बात, पेपर में आई है खबरदार करके। तो मैंने पढ़ी ना हो। मैं तो अपने ग्रुप में भी आ रही। कल को जो ना 9 बजे, 9 से 9:10 तक, 10:30 तक मतलब हॉस्पिटल जाना है मुझे, उसके बाद ही फ्री होंगे। कल शनिवार है तो बैंक की थोड़ा ना बैंक तो 4 बजे तक ही खुले, नहीं, शनिवार नहीं है कल को। 4 बजे तक खुला है बैंक, 2 शनिवार बंद रहे, 2 शनिवार खुला है, बाकी जैसे तुम्हें सही लगे। बता देना यार, आओ में सुबह में तो सुबह सर 10 बजे स्कूल में साइन वाइन करते हैं हाँ और यहाँ से निकल कर मैं उठे तो हम बैठ के फिर बैंक में जाकर एक हफ्ता वफ्ता ये करना जरूरी, तो या तो ऐसे कर क्योंकि लो, हड़ताल होगी। मैं वैसे थक गई अब बिल्कुल। नहीं फंसने वसने कोई बात नहीं। हाँ मेरी तो वही है कि दोनों तरफ एकदम तो ना सकूँ। हाँ 9 बजे की अपॉइंटमेंट, पहले 9 बजे जाना पड़ेगा, आज हुआ नहीं सारा काम, कल हो जाएंगे टेस्ट वेस्ट। आज मैं रोटी खा के चला गया असल में। यार अपना टेस्ट करा था, क्या हाँ बाबू मेरी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है। हो रहा एक तो मेरा हाइड्रोसिल की दिक्कत है, है? अब जो है जैसे टॉयलेट कर रहा हूँ ना तो खून आ रहा है अंदर से हल्का। हाँ तो भी आज टेस्ट हुए हैं तो खून पता ना कैसा आ रहा, तो उन्होंने बताई है ना डॉक्टर ने, अभी टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट कल को आएगी, तो वे कह रहे हैं कि जब तुम्हारे खून आ रहा है तो कुछ पानी वगैरह में कुछ दिक्कत हो फिर से? अगर खून आ रहा है तो पानी के लिए कुछ अरे पेनिस में ना हो दिक्कत, किडनी में दिक्कत है, होगी किडनी में। ना, तो खून का आने का क्या मतलब है? अरे पहले पूरी बात है सुन तो लो, तो जब किडनी में इन्फेक्शन हो जावे, वहाँ घाव बन जावे, तो वहाँ घाव बन जावे तो जब ब्लड और वो छानने का काम ही तो करे हैं, तो जब वहाँ प्रेशर से आता है ज़्यादा तो वो घाव और थोड़ा बढ़ेगा, तो उसमें से ब्लड के रेशा आने लगे हैं टॉयलेट में। तो मैंने कुछ दिन तो ध्यान ही ना करा, वो तो एक दिन ऐसे एकदम बाद में जब टॉयलेट करके एकदम मतलब रुके हैं, जब आई थी एक बूंदी तो मैं डर गया। फिर आज गया मैं, पैसा वैसा थोड़ा ऐसा ही है, फिर आज सुबह ही निकल गया मैं, दर्द भी हो रहा है। अब भारीपन तो मेरे बहुत दिन से हुआ है, 1-1.5 साल हो गए। और हाइड्रोसिल एक गोली सी नो रहा है, ये ऊंची नीचे हो रही है। वो आपके तो कान छिदवाया भी तो फिर भी आपने वही कर दिया, परहेज नहीं करा कुछ भी। कुछ ना चलो तो ससुराल ना हो गया तो ना हो गया। अब टेस्ट हुए, एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ है और एक जो है यूरिन का हुआ है, एक ब्लड टेस्ट है कोई किडनी से रिलेटेड ही है ऐसे, और एक अल्ट्रासाउंड हुआ है बड़े वाला, तो वो अल्ट्रासाउंड वाले ने तो रिपोर्ट दे दी बना के, उसमें जो है 3 जगह में इन्फेक्शन आ रहा है, और जो किडनी से और नीचे को एक नली आती है, यहाँ टॉयलेट का एक ब्लैडर सर है जिसमें मतलब टॉयलेट इकट्ठा हुआ है, स्टोर हुआ है, तो वो जो नली सी आ रही है उसमें इन्फेक्शन है काफ़ी टाइम से दिख रहा है, मतलब स्वेलिंग आ रही है उस पर, अब अंदर तो उसमें घुसे ना। तो अब कल 9 बजे बुलाया उनने, मैं टेस्ट रिपोर्ट हो के और दो दवाई वाई अपनी शुरू करूँगा, ठीक हो जाऊँगा।
चलो यही दिक्कत है और कुछ ना। 2-3 दिन तक तो बहुत भारीपन सा हो रहा है मेरा, अब भी हो रहा है। जैसे रोटी खा लूँ ना और टॉयलेट करने जाऊँ तो पहले डर लगा लगे ला, अब दर्द होएगा टॉयलेट करते भी। ओके एकदम आग सी लगे, जैसे कटे हुए पे कर कुछ हाँ क्या है ना, कटे पे मूत रहा है। हाँ बिल्कुल वही वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। पर कोई ना, डॉक्टर ये कह रहा था कि 20 दिन कम से कम दवाई खानी पड़ेंगी और चाय और ये ज़्यादा पीने पड़ेंगे। चाय, कोल्ड ड्रिंक, चाय तो मैं पीता ही ना हूँ, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये नहीं पियोगे, जंक फूड कुछ नहीं खाओगे। पर इससे बताया, बाकी बोला ये रिपोर्ट आने दो, जब दवाई दूंगा मैं तुम्हें। ये है जी, मेरे तो 4,000 रुपया लग गया आज। नहीं भी तो होता। हाँ, इतना लगता है ना यार, जोर दुखा पड़े बोला मालिश करूंगा, मालिश देख लो, ले लो दवा, आ जाओ अपनों कुछ ना बेफालतू की। अरे अपने बॉडी ठीक है तो सब कुछ ठीक है साला, कोई काय का ना सब अपनों। अरे दर्द ऐसी चीज है, तुम किसी बताओगे भी ना, थोड़ा बहुत जो ज्यादा ही नजदीक होगा वो सोचेगा कहाँ करूंगा। से है। मैं किसको देख के पता तो उसको चलता सारी बात ये है, क्या कह रहे हो? किसको देख के पता तो चलता। बस तो वही है, मैं तो वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो नई बात कह रहा हूँ। जा के हो रहा भाई, बता रहे हैं। जो आदमी सीधा लेट नहीं पा रहा हो तो बता। वही है ना। अरे ये ऐसी चीज है, तो जब मैं घर में कई बार कह ली मैंने, तो मगर मेरे यहाँ भारीपन सा ऐसे दिक्कत हो रही है। चलो छोड़ो इस टॉपिक पे, कोई बात नहीं करनी। मैं टेस्ट करवाया बताओ अब, तो सही। अब आपने तो मेरे से आज बताई है, आपको मैं तो दिक्कत बता रहे थे आप। डॉक्टर तो मम्मी गेल वैसे टेस्ट करवा ली, चश्मे लगवाने पड़ेंगे मुझे। है दुनिया भर की टेंशन अरवा में सभी। आप क्या ना, ये दिक्कत जैसे आपने काम चलाया था उसके बाद किसने परहेज बताया था कि सेक्स का, खाने का, पीने का परहेज करना, आपको आराम लग गया तो परहेज नहीं, लेकिन आपको परहेज नहीं हुआ सारी बात तो ये। चलो आप जो बीत गया उसके लिए क्या कहना। और वो तो वो बंद और कर लिया मकान, मतलब अच्छा था तो परहेज कर लेते, आराम होते तो खूब बढ़िया। कोई नाम, ठीक हो जाऊंगा, 15-20 दिन दवा खानी पड़ेंगे अपना, हो जाऊंगा ठीक। करवा खाया आज मैं सारे, वही ये जो ग्रेटर नोएडा में जितने भी हॉस्पिटल हैं थोड़े महंगे तो हैं ही बाबू। हाँ ये तो है। यूरोलॉजी के वाले की 800 रुपये फीस है। और वो हाँ डॉक्टर है, मतलब हाथ रखते ही बता दिया, अरे तुम्हारे तो सूजन आ रही है इसमें। मैं कहा ये सूजन नहीं है, अरे नहीं भारीपन लगता है, ये लगता है। मैं कहा पैसा वसूल है भाई। फिर के दवाई लगू, मैं कहा सर ऐसा है पहले टेस्ट करवा लो, मैं दवा नहीं खाऊंगा ऐसे। अच्छा चलो पहले वो सही बोला, टेस्ट ही कराते हैं पहले। हाँ साड़ी बीमारी नू पता चले ना है क्या, जड़ क्या है, दवा खा ले काहे की इनको, यूँ तो ऐसा ना हुआ। हालांकि डॉक्टर ने बैठते बता दिया कि अगर ब्लड आ रहा है तो ये दिक्कत है तुम्हें। कुछ शुगर बढ़ा हुआ है बहन चो, मुझे तो डर चढ़ रहा है कि अगर मेरा शुगर होगा तो मेरा तो जीवन ही झंड हो जाएगा। वजन कम करना क्या कह रहे हो? है, शुगर वजन से ही होता है ना। नहीं, शुगर होता है जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो और आदमी उस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाए, जैसे कि भाई चाय पी रहा है या मिठाई खा रहा है, या मतलब उसी एक तरह मिठाई जैसी जो चीज़ें हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है उनको ज़्यादा सेवन कर रहा है। अरे 370 है वो रोटी खा के,
और वैसे 100 कुछ 190 के आसपास है कुछ। हाँ जबकि नॉर्मल 110 होता है। और खाना तो खा के भी कम ही आया था। हाँ मेरा भी ऐसा ही है, पर डॉक्टर ये कह रहा है कि तुम्हारा ये वैसा तुम्हारा बीमारी नहीं है, तुम ऐसा कुछ खा रहे होगे। 8-10 दिन को बंद कर दो। तो मैंने आलू आलू ये सब चीज़ बंद कर दी, दवाई भी खाई नहीं। हूँ, एक गोली सी आवे वो खानी पड़े सुबह ही। क्योंकि मुझे डाउट हुआ सुबह उठते ही भूख लगे बहुत तेज कुछ दिन सु, नहीं। चलो छोड़ो और बताओ तुम। आज ही तो तुम जो है दवा बा को देख लेंगे अपना बस, और तो सब हो ही जाएगा। तो मैं वो खाता खुलवाऊंगी उसके बाद में। ठीक है बाबू, आओ तो उनको सब बता दीजिए मुझे। ठीक है अपनी दवाई ले कर निकल जाइए, घर जाना हो या जैसे भी करना है। डॉक्टर से कह के अपना 15-20 दिन की दवाई एक बार तरीका सु कंसल्ट करके, जब पैसा ले रहा हो साल तो कंसल्ट करो तरीका सु, भैया ऐसा हम रोज ना दे सके। और इस तरीके से जो तुम 15-20 दिन का अपना बना दो। हाँ, हर 10 दिन बाद कौन तुम्हारी चीज देगा? और उन दवाई से पहले दिन से कुछ भी आराम ना लगा और दर्द बढ़ गया था। तो अपना वो सब बात कह के जी ऐसे है इस तरीके से है, और अब हमने कोई इलाज नहीं करवाया, बीच में कुछ परेशानी से आ गई अपना नहीं करवा पाए, अब शुरू कर रहे हैं। पर ये जो है दवाई ऐसी दो, और इतने दिन की दो कम से कम। अगर वो 15-20 दिन की भी दवा देता हो तो बस उसके बाद फिर तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, फिर अपना कंटिन्यू। कल तो दवाई तो खत्ता खुला था, खत्ता तो खुला नहीं, कभी खुलता नहीं सोचा। लेकिन रहना खाता तो खुला ही पड़ा, बस ये है कि वहाँ जाके वो नंबर वापस हुआ पर्चा ले के सुबह वो वापस हो दनकोर सु, और बाम हो दे के पासबुक कार्ड के दे देगा, फोटो लगा के तुम्हारी लेगा KVIC क्या कहे हैं वो KVIC बैंक वाले ही बनावे है ना ये। तो ये सबने खुलवाया 100 रुपये में भारत ऑनलाइन खुलवा के अंदर अपने उन्होंने पैसे से जमा करके पास में दे दिया लगे। चलो ना तेरी आई थी की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है। चलो अगर ऐसा है तो फिर तुम भाई मैं जो है 10:30 बजे तक तो आ नहीं पाऊंगा, 10:30 बजे तक तो मैं बिजी हूँ, 10:30 के बाद मैं चलूँगा यहाँ से, तो ये समझो कि 11-12 बजे तक ही पहुँच पाऊँगा कहीं। मैं भी हाँ तो भाई हिसाब से तुम देख लीजिए अपना, ठीक है ना। जब उधर से आओ तो अपने दवा ववा को देख ली, क्योंकि मैं उधर ही रुक जाऊंगा इतना है। ठीक। ठीक है ओके, थोड़ी देर में करूँगा बात है। बिल्कुल 1 मिनट रुक जाओ तो मैं सभी कर लूँ। अच्छा, पहले कैसे बंद हो गया? 31 का महीना नहीं था। अच्छा हाँ ये भी है, ये बहन चाहे एक घंटा काउंट करे हैं। और क्या, नहीं 31 का महीना था ये तो पूरा 28 दिन मिलते हैं ना। ठंड कैसी हो रही है उधर? नहीं हो रही है, दर्द मेरा बढ़ता जा रहा है, इतनी ठंड हो रही है। अब कंधे में, कमर में इतना बुरा हाल हो रहा। ज्यादा हो रहा दर्द ठंड की वजह से, और अकड़न सी आ रही होगी ना? नीचे तो है ही है दर्द, उनके हाथ के पीछे जिस पैर में, मतलब रसोली है हाँ उसके ऊपर भी, उसके लिए जोड़, जो हाथ का जोड़ नहीं होते हैं हाँ ये जो शोल्डर के नीचे है। बस ठीक कह तो रही तुम उनको, क्या कह रही खुम्ब क्या क्या चाहिए ना खलवे। खलवा खुम्ब
भोजन खलवाऊंगा बाद में।